4.5 साल की बात देखी जाए और पिछले आज़ादी से जब से हमारी सरकार बनी 2017 तक, तो वैसे भी आप तुलना करते, आप क्षेत्र जाइए तुलना करिए तो अपने आप पता चल जाएगा। बड़े प्रोजेक्ट्स में अभी हमने, आपको मालूम होगा कि ओरन क्षेत्र में भदालवल गांव आप सुने होंगे, उस पर बाघेन नदी पे कम से कम 18 करोड़ के का, लगभग 18 करोड़ की लागत का पुल निर्माण प्रगति पर है। और इसी तरह कम से कम मुझे लग रहा है 100 करोड़ के आसपास की ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोडें मुख्य मार्गों से कनेक्ट की गई हैं, लगभग 100 करोड़ के आसपास हमारे क्षेत्र में रोडों का निर्माण हुआ है। माननीय नारायणी विधायक जी द्वारा जो आप लोगों को बताया गया होगा वो पेवर झूठ है। समाजवादी पार्टी की सरकार का विकास कार्य बीजेपी के विधायकों की आदत हो गई है, ये बीजेपी के नेताओं की, कि वो अपना बताते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में नारायणी विधानसभा में कई ऐसे विकास कार्य हुए, जैसे एक पुल का निर्माण जो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था और आज भी निर्माणाधीन है, अभी बीजेपी उसको पूरा नहीं करा पाई। कई रोडें, कलिंजर वाली रोड समाजवादी पार्टी ने बनवाना शुरू किया था, अभी बन रहा है, उसको भी पूरा नहीं करवा पाई। बीजेपी सरकार की 4.5 साल की सरकार हो गई है, कई गांव नारायणी के ऐसे हैं जिन गांवों को आज तक संपर्क रोडों से नहीं जोड़ पाए। सपा सरकार में जितनी रोडें बनी थी वो भी ध्वस्त हो गई हैं, लेकिन बीजेपी सरकार का कहीं भी उस तरफ ध्यान नहीं गया। स्वास्थ्य में आपको बता दूं मैं कि जब कोविड चला हम लोगों ने पूरी तरीके से अस्पतालों को इतनी तेज़ी से सक्रिय किया, जिसमें कि अब नारायणी CSC में आपको मालूम होगा कि हमने 10 लाख अपनी निधि से वहाँ जो कोविड सेंटर बना उसमें दिया गया, और ऑक्सीजन प्लांट भी हम लोगों के प्रयास से लगा, जिससे कि आने वाले समय में अगर कोई ऑक्सीजन की उपलब्धता में दिक्कत होती है तो हो। तो इस तरीके से सभी PHC और CSC को डेवलप करने का काम हमारी सरकार में हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में जो हमारी सरकार में NM सेंटर बनाए गए और CSC भी बनाई गई, उन्हीं का रख रखाव सही ढंग से नहीं हो पाया। लोग दवाइयों के लिए नारायणी से बांधा भागते हैं, तड़पते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार कोरोना काल में भी लोगों की मौतें हुई, ऑक्सीजन से मौतें हुई, लेकिन बीजेपी सरकार के लोग, उनके विधायक, उनके मंत्री ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। आप लोग देखें, आप लोगों का, हर आदमी को पता है कि कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन से हुई है। स्वास्थ्य के विषय में कहीं भी एक भी बीजेपी सरकार का ना तो कहीं पर जो है कॉलेज स्कूल बनवाया है, जो है हमारे बांध अस्पताल, हमारे बांदा में एक आलीशान अस्पताल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे बनवाया था, उसको अभी तक चालू नहीं करा पाई। स्वास्थ्य के विषय में बीजेपी कहीं भी सोच नहीं रही। तर्ज पर आपने देखा होगा प्रत्येक गांव के विद्यालयों का जो डेवलपमेंट हुआ, सभी विद्यालयों में टाइल्स, मतलब एक फर्निश्ड विद्यालय नजर आए, जैसे प्राइवेट विद्यालयों में सुविधाएं सब उपलब्ध थी, इसी तरह सब विद्यालयों में शौचालय, टाइल्स आदि सब चीज़ों का विधिवत विकास हुआ है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कहने की बात नहीं, आप लोग, हम कितनी उपलब्धियां अपनी सरकार की और जो हमने काम की है वो गिनाए। शिक्षा के बारे में हमारी सरकार में कई अनेक, शिक्षा को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पढ़ने वाले लड़कों को, हाई स्कूल इंटर पास लड़कों को लैपटॉप देने का काम किया था, ताकि घर में बैठे बैठे शिक्षा ग्रहण करें। आज कोरोना काल में जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा दिए गए लैपटॉप पे काफ़ी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।